छत्तीसगढ़ में बीती रात सूरतपुर संभाग के सरगुजा जिले में जिला मुख्यालय में पदस्थ एएसआई की पत्नी और बेटी की हत्या का शव को घर से 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। सुबह मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी द्वारा पुलिस की टीम जांच करने के समय पर शव को पहुंची है। आपको बता दें कि सूरजपुर थाने में पदस्थ एएसआई तालिब से सूरजपुर रिंग रोड के मकान में पत्नी पति के साथ किराए पर रहता था। कल रात को पेट्रोलिंग के लिए निकले हुए थे। उनके घर में पत्नी और 16 वर्ष की बेटी रहती थी, जिसको आरपीओ द्वारा रात में ही घर में घुसकर पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी। हत्यारों ने शव को घर से करीब 4 किलोमीटर दूर लाकर खेत में फेंक दिया था। इस हत्याकांड के बारे में तब पता चला जब एएसआई अपनी ड्यूटी से लौटकर घर वापस आए। घर में परिजनों को नहीं मिलने और खून की छींटे मिलने पर मामले की जानकारी अधिकारियों को दी। वहीं खोजबीन के बाद मृतकों के शव को घर से 4 किलोमीटर दूर ग्राम पेढ़ा में पाया गया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे और वहां बेटे के शव को पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए थे, उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वह भी लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनके पता तलाश के लिए गया है तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थी, दोनों ही गायब थे, तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा, रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा ये घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूँकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको न शव या नहीं उपस्थिति वहाँ थी तो हम रात भर खोजबीन किए, तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है उधर में उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। अलग अलग हम पूरे ज़िले भर में टीम बनाए हैं और हमारी टीम अलग अलग जिले पर रवाना हुई है, जहाँ कहीं होगा हम उसको निकालेंगे। चूँकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी और ये हम इतने विपरीत परिस्थिति में विषम परिस्थिति में नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई होगी।